आपका स्वागत है मधु की रसोई में। आज मधु की रसोई में हम बसंत पंचमी के अवसर पर केसरी चावल बनाने जा रहे हैं। लगने वाली सामग्री है चावल, लंबे चावल ले लेने हैं बासमती। उनको हमने पानी में भिगो लिया है, 15 से 20 मिनट भिगोना है। हमने पहले से मैंने भिगो के रखा हुआ है। चीनी और 7-8 धागे हमने केसर के दूध में भिगो लिए हैं और ग्रेट किया खोआ लेना है। चुटकी भर हमने खाने वाला रंग केसरी ले लेना है। 2 चम्मच घी ले लेने देसी, आप डालडा भी ले सकते हैं। 6-7 हमने लौंग लेने हैं। 5-6 इलायची, छोटी इलायची, हरी इलायची लेनी है। 2 चम्मच हमने मगज लेने हैं। 2 ही चम्मच हमने बारीक कटा नारियल ले लेना है, गरी ले लेनी है। और 7-8 हमने काजू, बादाम, पिस्ता 1 चम्मच कटा हुआ और किशमिश लेना है। पैन रखेंगे और उसमें हमने, अगर 1 बाउल हमने चावल लिया है तो 2 बाउल हम पानी डालेंगे। पानी गर्म हो गया है, इसमें हमने चुटकी भर के इसे रंग मिला देना है। फिर हमने चावल डाल देने हैं। चावल डाल लिए है, चावल को पकने देना है। ज़्यादा नरम चावल नहीं करने हैं क्योंकि थोड़े चाशनी में भी चावल पकेंगे, इसलिए चावल को हम थोड़ा खड़ा रखेंगे। चावल पक चुके हैं, पैन रख लेना है। अब हमने चाशनी डालनी है। 1 कटोरी अगर हम लोग चीनी ले लेते हैं तो 1/2 कटोरी पानी लेना है, 1/2 कटोरी पानी ले लेना है और फिर इसको चीनी पर पिघाल लेंगे। और इसी पानी में हमने चाशनी में इलायची, 6-7 इलायची भी, हरी इलायची डाल देनी है। अब चीनी पिघल गई है, अभी हमारी चाशनी बनके तैयार है। अब हमने इसको एक तरफ रख देना है। कढ़ाई रखनी है और इसमें हमने देसी घी के 2 चम्मच डाल लेनी है। घी गर्म हो गया है, अब इसमें हम लौंग डाल देंगे और इसी घी में हमने काजू, बादाम, बारीक कटा गरी, मगज, उनको भून लेंगे और पिस्ता, इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। अभी ये ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें हमने किशमिश भी डाल के थोड़ा भून लेंगे। अब हमने चावल डाल दिए, अब हम चाशनी डाल देंगे, ढक के पकने देंगे, डाल देंगे और उसको हम अच्छे से सुखा लेंगे। अभी हमारे केसरी चावल बनके तैयार है, ऊपर से हम खोआ डाल देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अब हमारे गर्मा गर्म केसरी चावल बनके तैयार हैं। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe and please follow on Twitter, Instagram, link below in descriptions.